अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं किस तरह से आप अपनी वेबसाइट के अंदर कुकी नोटिस ऐड कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे क्लाइंट्स ये रिक्वायर्ड करते हैं कि उनकी वेबसाइट के अंदर कुकी नोटिस उनको शो होना चाहिए, कुकी कंसेंट का नोटिस यूज़र्स को शो होना चाहिए, क्योंकि बाहर के कंट्रीज़ के अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो इसकी जो है काफ़ी सारे क्लाइंट डिमांड करते हैं, तो आप ये सर्विस भी ऑफर कर सकते हैं फाइबर या अपवर्क के ऊपर। और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह से आप वर्डप्रेस के अंदर ये सेटअप करेंगे। तो चलें चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, मैं आप साथ लोगों को ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आना है, प्लगइन्स ऐड न्यू, और यहाँ पे सिंपल सर्च करना है आप लोगों ने कुकीज़। और यहाँ पे आपके सामने पहला प्लगइन नज़र आएगा आपको, यहाँ पे GDPR CCPA कुकीज़ कंसेंट। सिंपल आप लोगों ने इसको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद इसको कर लेना है एक्टिवेट। एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे हमारे पास इसका ऑप्शन आ चुका है। सिंपल हम इसके डैशबोर्ड के अंदर जाएंगे। अब यहाँ पे आप चाहें तो इसको मैन्युअली भी सेटअप कर सकते हैं, या फिर इसके विजर्ड को यूज़ करते हुए इसको सेटअप कर सकते हैं। तो सिंपल हम इसको सेटअप करेंगे इसके विजर्ड को यूज़ करते हुए। तो सिंपल मैं क्लिक करता हूँ कंटिन्यू विजर्ड, और यहाँ पर आपने जो जो चीज़ें सेटअप करनी है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पर काफ़ी सारे हैं, जैसे साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे जनरल फॉर यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स को। और यहाँ पे देखें उसके जितने भी जहाँ जहाँ पे भी ये पॉलिसीज लागू होती हैं वो सारे स्टेट्स यहाँ पे शो हो गए हैं। जहाँ पे भी वेबसाइट क्लाइंट की ऑपरेट कर रही है वो वाला आप यूज़ कर सकते हैं, क्लाइंट से पूछ सकते हैं। उसके बाद सिंपल आप लोगों ने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सिमिलरली यहाँ पे जो भी ऑप्शंस आप लोगों ने सिलेक्ट करने हैं वो आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट रिक्वायरमेंट, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको डिफ़ॉल्ट पे ही रहने दें और इसको सेव एंड कंटिन्यू कर लें, राइट। और उसके बाद इसको यहाँ पे आप सेव एंड कंटिन्यू कर लें। यहाँ पे कंपनी नेम की जगह पे आपने क्या करना है, सिंपल अपनी वेबसाइट के नेम देना है, राइट। और यहाँ पे उसके एड्रेस वगैरह जो कुछ भी है वो यहाँ पे ऐड करना है। अभी के लिए मैं यहाँ पे ऐड करूँगा और इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दूँगा। अगेन सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना है कि हम किस किस पर्पज़ के लिए। अब यहाँ पे नॉर्मली जो कुकी कंसेंट यूज़ होता है वो इस तरह की वेबसाइट पे यूज़ होता है जहाँ पे पेमेंट्स का लेन देन हो रहा होता है, नॉर्मल वेबसाइट्स पे भी होता है। बट यहाँ पे फिर आप उन सारे डिटेल्स को सिलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। तो अभी के लिए मैं जस्ट रैंडम सेलेक्ट कर देता हूँ सेव एंड कंटिन्यू। फर्स्ट एंड लास्ट नेम, मतलब कौन कौन सी चीज़ें आप कलेक्ट करते हैं यूज़र का, तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट में सेटअप करूँगा। और अभी के लिए जस्ट मैं यहाँ पे रैंडम चीज़ें सेलेक्ट कर देता हूँ और सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। और सिमिलरली इनको मैं डिफ़ॉल्ट पे रहने दूँगा, कंसेंट भी ओके, स्कैन ओके, फाइन, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ भी मैं सेलेक्ट कर दूँगा, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम सेटअप कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने सेटअप कर ली हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें आप चाहें तो एक्टिवेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, और उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे मैं जस्ट रैंडम ऑप्शंस को सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही सिलेक्ट कीजिएगा, मेक श्योर, और क्लाइंट से आप डिस्कस कर सकते हैं ये सारी चीज़ें कि उन्हें क्या चीज़ चाहिए और क्या नहीं चाहिए। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट, और यहाँ पे ये सिंकिंग कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा और ये प्रॉपर सिंक हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू करके फिनिश की तरफ हम ले जाएंगे इस सारी चीज़ को। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सेव एंड कंटिन्यू, अगेन सेव एंड कंटिन्यू, अगेन सेव एंड कंटिन्यू, और यहाँ पे हम सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद इन सारी चीज़ों को सेव स्टाइल्स एंड बैनर्स, ये सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ पे हमारा जो कुकी कंसेंट है वो कम्प्लीटली सही तरीके से सेटअप हो चुका है। अब यहाँ पे हमारे पास कुकीज़ बैनर जो है हमारा जो रिप्रेजेंट होता है, लेट्स सपोज मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ, इनकॉग्निटो पे चेक करता हूँ, तो यहाँ पे वो कुकी कंसेंट आना चाहिए, बट राइट नाउ वो यहाँ पे नहीं आ रहा। यहाँ पे देखें डिसेबल कुकी बैनर हार्ड प्रीव्यू। अब यहाँ पे क्योंकि ये डिसेबल्ड है इसका मतलब ये है कि ये ऑलरेडी शो हो रहा है अभी, क्योंकि ये कुकीज़ की वजह से या सॉरी कैशे की वजह से शो नहीं हो रहा, तो आपका ये शो होगा। आप किसी भी और ब्राउज़र के अंदर इसको चेक कर सकते हैं। मैं किसी और ब्राउज़र के अंदर जाता हूँ और इसको चेक करता हूँ क्या हमारा कुकी बैनर यहाँ पे शो हो रहा है या नहीं हो रहा।
तो हमने क्या किया, इसको सर्च किया बट यहाँ पे शो नहीं हुआ, वापस आ गया। यहाँ पे हम आ जाते हैं अपीयरेंस के अंदर, क्लोज बटन, शो बॉक्स शैडो, और यहाँ पे इसकी सारी सेटिंग्स हमारे पास मौजूद हैं। इनको मैं क्या कर देता हूँ, सेव एंड कंटिन्यू। ओके, तो यहाँ पे ये सक्सेसफुली सेव हो गए। इसको आप इसके कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, तो कुछ इस तरह का कुकी कंसेंट आपकी वेबसाइट पे शो होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे कैशे की वजह से शायद शो नहीं हो रहा, बट इस तरह का कुकी कंसेंट आपकी वेबसाइट पे शो होना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे और काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं जिनको आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और इस बैनर को भी आप क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसके कॉन्टेंट को भी और बाकी सारी चीज़ों को, कलर वगैरह को। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि कुकी कंसेंट किस तरह से आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। यहाँ पे मैं बात मेंशन करता चलूं, अगेन आपने अपने क्लाइंट से एक बार डिस्कस करनी है ये सारी चीजें कि उसको किस तरह के ऑप्शन चाहिए और कहाँ पे वो बेस्ड है और कौन से लॉज उस पे एप्लीकेबल होते हैं अकॉर्डिंग टू द कुकी कंसेंट। तो आई होप आपको समझ आई होगी। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों का जरूर रिस्पॉन्स करूंगा। इंस्टाग्राम के ऊपर आकर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये ब्यूटीफुल सी वेबसाइट हमने बनाई है आस्ट्रा के ऊपर, अगर आपको चाहिए आस्ट्रा प्रो तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको आस्ट्रा प्रो इंतहाई मुनासिब रेट्स के अंदर सेटअप करके दे दूंगा। तो यहाँ पे देखें, ये हमारा कुकी कंसेंट जो है वो अब शो होना शुरू हो गया, राइट। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।